नमस्ते, आज हम बनाएंगे सांभर बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके लिए बस चाहिए आपको अरहर की दाल। इसको साफ़ करके हम रख लेते हैं, फिर इसको जितना आपका दाल रहे, एक कटोरी चाहे दो कटोरी, उसी के अनुसार हम पानी डालेंगे। अब प्रेशर कुकर में हम पानी डालते हैं और अरहर की दाल डाल देते हैं। एक कटोरी आपकी दाल है तो दो कटोरी पानी डालते हैं। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पे एक प्रेशर आने पर 5 मिनट हम स्लो कर देंगे, 5 या 10 मिनट। जैसे दाल हम बनाते उससे थोड़ा ज़्यादा कुक होना चाहिए दाल को। इधर मेरा दाल पक रहा है, इधर हम सांभर मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए चाहिए 1 टेबल स्पून मेथी चाहिए, 1 टेबल स्पून चने की दाल चाहिए, 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया चाहिए, 20-25 दाने काली मिर्च, 4-5 लाल मिर्च चाहिए और थोड़ा सा सूखा नारियल चाहिए। उसको कट कर लीजिए। इन सभी मसालों को एक पैन में डाल करके या कढ़ाई में डाल करके अच्छे से भून लेते हैं खुशबू आने तक। अब मसाले मेरे ठंडे हो गए हैं। मिक्सी के जार में डाल करके इसमें थोड़ा सा हींग और हल्दी डाल करके अच्छी तरह हम इसको पीस लेते हैं। अब मसाला मेरा पीस के तैयार हो गया है। इसको आप 1 महीने तक रख सकते हैं स्टोर करके, ख़राब नहीं होता है। जब तक दाल का प्रेशर नहीं निकलता है तब तक उसको हम खोलेंगे नहीं। सांभर के लिए सब्जी हम देखे रखे हुए हैं, थोड़ी सी लौकी है, थोड़ा कद्दू है, थोड़ी सी बैंगन है, थोड़ी भिंडी है और 4 टमाटर है मीडियम साइज के। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। अब इसको छौंक के लिए हम राई डालते हैं। तड़के के लिए पहले थोड़ा सा हींग हम डालते हैं, फिर मेथी का दाना 1/4, 1 बड़ा चम्मच हम राई डालते हैं चाहे सरसों के दाने, कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ते डालेंगे। थोड़ा सा चटकने लगे, अच्छा सा भून जाए तो हम सब्जियां सब एक एक करके डाल के भूनेंगे। यहाँ पर प्याज हम डाल सकते हैं लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, आप लोग डाल दीजिएगा। अब इसमें हम एक एक करके सब्जी डालेंगे। भिंडी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम लौकी भी डाल देते हैं, कद्दू भी डाल देते हैं, बैंगन भी हम डाल देते हैं इसमें। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर इसको भूनते हैं। 1 या 2 मिनट भूनने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं कि थोड़ा सा कुक हो जाए। सब्जियां मेरी अच्छे से पक गई है और भून भी गई है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसे दाल में तो पड़ा हुआ है लेकिन 1 चम्मच हल्दी पड़े, 2 टेबल स्पून सांभर मसाला डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला करके अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा अच्छे से पक जाएगा। अब इस दाल को हम डाल देंगे। अब इसमें हम इमली का पानी डाल देते हैं। देखिए मेरा सांभर बिल्कुल बनके मेरा रेडी हो गया है। आप इसमें पानी अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। ये सांभर मेरा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसको आप इडली या डोसा के साथ खाइए और इसको बना करके बताइए।